हेलो एवरीबॉडी, तो कैसे हैं आप लोग। आपके सामने में स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा होगा जो देख के आपको डरा रहा होगा। द क्वेश्चन इज वेरी थ्रेटनिंग। आपको ये डायग्राम ही ऐसा लग रहा होगा कि कितना बड़ा डायग्राम है और क्या निकालना है, बट सिंपल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मैं आपको सवाल डिक्टेट करता हूं तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास ना बहुत सारे डिस्क हैं, जो एक डिस्क के ऊपर में दूसरा डिस्क और दूसरे के ऊपर में तीसरा डिस्क इस तरीके से माउंटेड किए गए हैं, ठीक है। और एक कंसेंट्रिक है, ऐसा आप समझ लीजिए। उसके बाद देखिए कि पहला जो डिस्क है वो आपके पास सिग्मा नॉट का सरफेस मास डेंसिटी है, रेडियस आर है। दूसरा जो डिस्क है उसका सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा नॉट बाई टू है, रेडियस आर बाई टू है। उसी तरीके से रेडियस आर बाई फोर, सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा नॉट बाई फोर, और ये डिस्क के ऊपर डिस्क चलते गया है और इनफाइनाइट डिस्क ऐसे हैं। क्या आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके आप एक बार प्लीज देखिए कि क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे बना सकते हैं इसको? इसको बनाने का तरीका कि जो भी आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इनफाइनाइट डिस्क का, क्या वो सारे छोटे छोटे इंडिविजुअल जो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अगर आप सबसे पहले I1 निकालेंगे तो I1 कितना होता है? mr स्क्वायर बाई टू। तो सबसे पहले जो मास है पहले वाले डिस्क का वो क्या हो जाएगा? सिग्मा नॉट इनटू एरिया, और एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, और यहां पे भी कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे सब लोग? देखिए, तो अगर आप बहुत इजीली देखोगे तो आपके पास यहाँ पे पहले वाले केस में जो I1 है बड़े वाले डिस्क का, उसका पहले मास लिखा सरफेस मास डेंसिटी इनटू एरिया, इसका एरिया पाई इनटू आर स्क्वायर हो गया, और पहले से आर स्क्वायर था ही, डिवाइडेड बाई टू, तो कितना हो गया? सिग्मा नॉट इनटू पाई आर टू दी पावर फोर डिवाइडेड बाई टू। बट अगर आप दूसरे वाले का निकालोगे तो कितना हो जाएगा? आई टू। ये जो छोटा सा आपके पास सेकेंड डिस्क है जिसका रेडियस आर बाई टू है और सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा नॉट बाई टू है, तो सिंपल है, आप फिर से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखेंगे? अरे भैया, ये पता है ना आप लोगों को कि जो मास होता है, अगर आप एम आर स्क्वायर बाई टू लिखते हो तो मास को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एरिया। ये तो सिंपल है ना, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया होता है। तो यही फॉर्मूला मैं यहां पे लगा रहा हूं, सिंपल। तो सिग्मा नॉट बाई टू है, अच्छा। और अगर आप यहां पे आपने सिग्मा नॉट बाई टू लिखिया, अब यहां पे मुझे एरिया लिखना है, तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई इंटू आर स्क्वायर, लेकिन रेडियस कितना है? आर बाई टू का होल स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया। और पहले से आपके पास आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर का भी रेडियस तो आर बाई टू होगा ना, आर बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा। तो कितना बचा देख सकते हैं यहां पे, ये हो जाएगा सिग्मा नॉट इंटू पाई, और R का स्क्वायर R का स्क्वायर, तो कितना बच जाएगा? R का पावर 4 बच जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा देखिए, पहले से 2 है और ये आपके पास क्या है, एक और 2, 2, 4, और ये 6 हो जाएगा आपके पास, मतलब 2 to the power आपके पास 6 हो जाएगा। क्लैरिटी है क्या? एक और निकाल लेते हैं ताकि हमको एक पैटर्न पता चल जाए कि क्या हो रहा है। और अगर मैं I3 निकालूंगा तो क्या लिखूंगा? सिग्मा नॉट बाई 4, क्योंकि तीसरे वाले का सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा नॉट बाई 4 है, और एरिया कितना हो जाएगा? पाई इंटू आर बाई 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पूरा मास। और आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे आप लोग? आर बाई 4 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बोलिएगा? 2 हो जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, सिग्मा नॉट बाई 4 इंटू पाई आर का पावर 4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 16 इंटू 16 और इंटू नीचे आपके पास 1/2 है। तो देख सकते हैं कि ये 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 5 2 का पावर 5, तो 10 11 2 13, मतलब ये एग्जैक्टली हो जाएगा सिग्मा नॉट इंटू पाई आर का पावर 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा देख लीजिए बच्चा लोग, कितना हो जाएगा देख लीजिए, सिग्मा नॉट बाई 4 पाई आर स्क्वायर, तो 16, और ये 16, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4 और 4 4 8 2 10 2 12 नहीं 4 4 2 का पावर 4 2 का पावर 4 8 और 10 और 1 11, तो 2 का पावर 11 हो जाएगा, सही है क्या? नहीं, अब यहां पे लिख लेते हैं इसको भी। अब यहां पे अगर आप दोनों को लिख लोगे तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, यहां पे वैल्यू पहला वाला आया था सिग्मा नॉट पाई आर का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस दूसरा क्या था, सिग्मा नॉट पाई
सिग्मा नॉट पाई आर का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 6, और तीसरे वाले का कितना है, सिग्मा नॉट पाई आर का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 11, और ये चलता चला जाएगा, बाकी निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पे कॉमन आ जाएगा सिग्मा नॉट पाई आर का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2, और यहां पे 1 बचेगा, बट यहां पे कितना बचेगा 2 का पावर 5, यहां पे कितना बचेगा प्लस ही है यहाँ पे मेरे ख्याल से, और ये हो जाएगा 1/2 का पावर 10, और ये चलता चला जाएगा। आपको पता है ये कैसा दिख रहा है, ये कुछ कुछ आपके पास जीपी जैसा है। कैसा, ये कुछ कुछ क्या, पूरा ही जीपी जैसा है, क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इसका कॉमन रेशियो आ जाएगा, और इसका जो आपके पास सम होने वाला है वो सबको पता है कि फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो होता है। तो आप खुद ही देखो कि सिग्मा नॉट तो पहले से रहेगा, पाई आर का पावर 4 भी रहेगा, डिवाइडेड बाई 2 भी रहेगा, ठीक है, बट यहां पे पहला टर्म हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, रेशियो कितना हो जाएगा इसका 1/2 का पावर 5, तो ये 1/32 आपके पास हो जाने वाला है। क्या सब लोगों को क्लैरिटी है क्या, देख लीजिए मैंने सिग्मा नॉट पाई आर का पावर 2 को कॉमन निकाल दिया है, 1 + 1/2 का पावर 5, ऐसा कुछ आपके पास आ जाने वाला है। तो ये हो जाएगा सिग्मा नॉट पाई आर का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2, और ऊपर में 32 बन जाएगा और नीचे में आपके पास 31 बचेगा, तो ये हो जाएगा 16 सिग्मा नॉट पाई आर का पावर 4 अपॉन 31। दिस इज गोइंग टू बी द मोमेंट ऑफ इनर्सिया फॉर दिस इनफाइनाइट डिस्क। तो भले ही क्वेश्चन बहुत ही थ्रेटनिंग लगता हो, बट आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालेंगे। तो भले ही हमने डिस्क के फॉर्म में लिया है, ये कैसा था पता है ना आपको, समझ आया, एक डिस्क के ऊपर में दूसरा डिस्क, दूसरे के ऊपर में तीसरा डिस्क, तीसरे के ऊपर में चौथा डिस्क, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट था आपके पास। उसी तरीके से आप स्फीयर्स के केस में भी ले सकते हैं कि पहला स्फीयर रखा, फिर दूसरा स्फीयर्स रखा, फिर तीसरा स्पेयर्स रखा, और फिर हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तो कुछ और इस तरह की बेहतरीन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, और आपको बहुत मजा आने वाला है। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बाय गाइज, थैंक यू।